नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरसा चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि AZTE की वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी मिलेंगी, तो इसके लिए मेरे दोस्तों जो है, जो सिलेबस को लेके संशय बना हुआ है, ठीक है, तो उसके परिपेक्ष में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा सिलेबस के ऊपर, जो है सारा संशय खत्म हो जाएगा। आज AZTE के लिए कंप्यूटर का जो रोल साबित होगा, अच्छा रोल, उसके लिए मैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोग के सामने लेके आया हूँ। चलिए, इससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुँचे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है। कंप्यूटर के क्षेत्र में मेरे बच्चों वायरस का मतलब क्या है, ठीक, तो देख लीजिए वायरस का मतलब क्या है। वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज, इसका बी आंसर जो है मेरे बच्चों बिल्कुल सही है। 1 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए, कई बार परीक्षा में आया है मेरे बच्चों। देखिए, पूछा गया है, देखिए H क्वेश्चन संख्या 2, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आपको मैं आपको बता दूं, एक ना एक पूर्ण रूप भैया जरूर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, इस फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका पूर्ण रूप है, ये इसका पूर्ण रूप है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन संख्या 3। देख लीजिए क्या कहती है कि कंप्यूटर वायरस है क्या है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम में जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 3 मेरे बच्चों, और 3 का सही है ए। क्या सही है? ए, कंप्यूटर वायरस क्या है। ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, इसे हम कंप्यूटर वायरस के नाम से हम जानते हैं मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 लिखा है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, कितने गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स या टेराबाइट्स। 10 लाख बाइट्स होती है मेरे बच्चों, तो ये होती है मेगाबाइट्स। क्या होती है? ये होती है मेरे बच्चों मेगाबाइट्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 लिखा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मेरे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 5, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 का मेरे बच्चों 2 दिसंबर को मेरे बच्चों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आपको पता है AZTE बनने का एकमात्र चैनल है वो है स्टडी विद नीरज सर, जो 2018 से पहले से भी चला आ रहा है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। नंबर 6 देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है। RAM का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है इसका पूर्ण रूप, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये रैम का जो है पूर्ण रूप है। क्वेश्चन संख्या 6 का ए सही है, ठीक। चलिए 7 नंबर पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 देख लीजिए, सीपीयू का क्या अर्थ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, सी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेरे बच्चों, ए, 7 का ए सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेरे बच्चों। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार, दसों बार परीक्षा में, अलग अलग परीक्षाओं में आया है। चलिए 8 नंबर, IBM का पूर्ण रूप क्या है, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन या इटालियन बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप क्या है मेरे बच्चों, तो है ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, ये IBM का पूर्ण रूप है, क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए 9 नंबर पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है 9 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है,
क्वेश्चन संख्या 9, ठीक है। और 9 का ये मेरे बच्चों जो सही है, इसका राइट आंसर है बी। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से मेरे बच्चों जानते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 10, एक पेन ड्राइव है। क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 का क्या देखिए आंसर, एक पेन ड्राइव। आप पेन ड्राइव को बहुत इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। पेन ड्राइव सबके पास आजकल सबके पास रहती है पेन ड्राइव मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन संख्या 10 जो है पेन ड्राइव, इसके लिए क्या देखिए इसका क्या होगा, एक स्थिर द्युति भंडारक, एक चुंबकीय द्युति भंडारक, इस तक एक हटाए जाने वाली द्युति भंडारक एकक, ये इसका राइट आंसर है। 10 का सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे बच्चों। सोच लेना, क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिलेंगे कंप्यूटर से। क्वेश्चन संख्या हम 11 पे बढ़ते हैं। 11 देखिए, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। आप ईमेल भेजते हैं उसके पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों। एजीटीए के लिए एकमात्र संस्थान जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वह है स्टडी विद नीरज सर। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों, 11 नंबर। 11 का मेरे बच्चों है डी आंसर सही। क्या डी, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम, ये जो है ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम, ठीक है, तथा जो है डोमेन का नाम। चलिए क्वेश्चन संख्या बढ़ते हैं 12, देख लीजिए 12। अब इतना अच्छा इतना सरल प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, डब्ल्यू डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू डब्ल्यू का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। क्वेश्चन संख्या है 12 और 12 का आंसर सही है बी। 12 का मेरे बच्चों आंसर सही है बी। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, लिखा है क्वेश्चन संख्या 13, यस क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं मेरे बच्चों, देख लीजिए। लिखा है HTML का विस्तृत रूप है, HTML का विस्तृत रूप है जो मेरे बच्चों है, H फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो D वाला आंसर इसका सही है, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है मेरे बच्चों ये फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन संख्या हम 14 पे बढ़ेंगे। 14, 14 भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ मेरे बच्चों, 14, 14 का देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14, ठीक है। देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली या पुणे में। तो मेरे बच्चों पुणे में जो है परम का निर्माण हुआ है, कहाँ पे, पुणे में मेरे बच्चों परम का निर्माण हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए पुणे में, ठीक है, पुणे में, ठीक, पुणे में परम का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 15, ठीक है। देखिए कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। बहुत बढ़िया प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में मेरे बच्चों पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो रोम, ROM, रोम जो है मेरे बच्चों कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर स्मृति क्या होती है, ROM, रोम कहलाती है कंप्यूटर स्मृति। चलिए 16 नंबर पे आते हैं, देख लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों 16 नंबर। देखिए लिखा है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, देख लो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों 16, और 16 का सही है बी। फाइबर का जो निर्माण किया जाता है वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है, किससे किया जाता है मेरे बच्चों, सेमीकंडक्टर से किया जाता है, फाइबर का निर्माण मेरे बच्चों सेमीकंडक्टर से किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 17 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट, क्वेश्चन संख्या 17, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका, एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन संख्या है माइक्रोसॉफ्ट, क्वेश्चन संख्या है 17। 17 का जो है मेरे बच्चों डी सही है,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है। चलिए 18 पे आते हैं। चलिए 18 पे लिखा है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है मेरे बच्चों 17, 16, 15। चलिए 18 नंबर, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लिखा है इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों बन सकता है, ध्यान रखना। तो ये स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, 18 19, सीडी रोम है 19 नंबर। सीडी रोम है एक क्या? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 19, तो 19 का मेरे बच्चों सही है बी। क्या सही है? सीडी रोम एक क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20, चलिए क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए क्या आंसर है। सी बेसिक, कोबल और जावा प्रोग्राम के उदाहरण है। लो लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में देना है, और उम्मीद करता हूँगा कि जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों इसकी पीडीएफ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे बच्चों, तो स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी विद नीरज सर मेरे बच्चों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी वीडियो कराए जाते हैं सबकी पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मेरे बच्चों एक चीज़ बता दें, ठीक है, AGTE 3446 पदों के लिए विजय पथ 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। 10 अगस्त तक मेरे बच्चों ये एडमिशन होंगे, उसके बाद इसकी फीस जो है बढ़ा दी जाएगी। इसकी फीस मेरे बच्चों आपको पता है कि 2500, इसकी फीस जो है मैं आपको बता दूं, इसकी फीस जो है मेरे बच्चों 2599 रुपया है, लेकिन ऑफर में ये 999 का जो है ये पड़ रहा है। इसके साथ आपको क्या क्या दिया जाएगा फिर से देख लो। 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई है, ये क्वेश्चन की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, एग्जाम में सिर्फ आपको इसी को पहले पढ़ना है। सिर्फ आपको ये पीडीएफ है मेरे बच्चों, 1000 प्रश्नों की पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव, 1000 प्रश्नों की पीडीएफ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहले आपको इसको पढ़ना है, तब जाके आप किसी अन्य बुक को छुएंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, नहीं तो आपकी मर्जी। सारे सेलेक्टिव प्रश्न हैं, सारे आए हुए प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को इसमें रखा गया है। ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं देगा मेरे बच्चों। तो इसकी पीडीएफ आपको, जो भी ये बैच लेगा इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, इसको अगर हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 73, तो आप इसको हार्ड कॉपी में अगर मंगाना चाहते हैं तो 73 79 82 33 68 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या कॉल करेंगे तो 95 599 40 590 पे आप जो है कॉल करके कह सकते हैं। हाँ, अब देखिए एग्रीकल्चर थ्योरी एमसीक्यू बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा जो है ये है एग्रीकल्चर थ्योरी 267 प्रश्नों की, एग्रीकल्चर की 267 प्रश्नों की है मेरे बच्चों। इसको देखो, इसको कब थ्योरी वाली कब पढ़ना है, जब इसको खत्म करना है, इसको टच नहीं करना है, सिर्फ इसको ही पढ़ना है जो 1000 प्रश्नों की सीरीज है। तो इसके साथ इसकी भी पीडीएफ आपको, जो बैच 2.0 ज्वाइन करेगा उसको भी ये जो है 1000 प्रश्नों की पीडीएफ प्लस ये बुक की पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएगी। 50 प्रैक्टिस सेट आपको एग्रीकल्चर के दिए जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट ऐप पे आपको हल करवा जाएंगे, ऐप पे आपको हल करवा जाएंगे। बिल्कुल धज्जियां उड़ा देना है इस बार AGTE की। इसके बाद प्रीवियस पेपर हल कराए जाएंगे, पेट क्लास, जो भी ये बैच परचेस करेगा इसके लिए देखो ये इनकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके बाद मेरे बच्चों इसके बाद जो है पेट नोट्स देख लीजिए, पेट नोट्स पूरा इसमें कवर है, हर अलग अलग सब्जेक्ट का सब इसी में है। इसकी भी पीडीएफ आपको इसी के साथ प्रोवाइड की जाएगी अगर आप 2.0 बैच
लेते हैं विजय पर 2.0, बहुत एडमिशन बच्चे ले चुके हैं। हाँ, ये संशय होगा कि कोर्स क्या रहेगा, जो भी कोर्स रहेगा इसी में आपको पूरा कराया जाएगा। और हाँ, कोर्स आप किसी भी चैनल पे ले रहे हैं तो उसका पिछला बैकग्राउंड जरूर देखना मेरे बच्चों। किसी भी चैनल का कोर्स ले रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा ही लीजिए, आप अन्य चैनलों का भी आप ले सकते हैं, किसी से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड और कंटेंट ये जरूर देखना कि पिछली AGTA में कितना सिलेक्शन दिलाया है। और ये देखिए कंटेंट देखिए, मतलब इतना जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हमारे चैनल पे जा करके, हमारे चैनल पे मित्रों जा करके 55 एग्रीकल्चर के जो क्लास हैं उनको जरूर पढ़िएगा, आधी समस्याओं का हल वहीं पर आपको मिलेगा। तो अगर आपको 10 के पहले लेना है तो ये ले लीजिए, उसके बाद जो है इसका रेट बढ़ जाएगा मेरे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।